से मैं काम कर रहा हूँ और ब्राइट आउटडोर पार्टनर है, और जितने भी इवेंट्स होते हैं छोटे या बड़े सब में ब्राइट हिस्सा रहता है, और हर एक को सपोर्ट करना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए। खाली सिर्फ बड़े बड़े शो को नहीं करना चाहिए, छोटे को भी बड़ा बनाना चाहिए। जितने भी सुपरस्टार है वो छोटे थे तभी मैंने उनकी फिल्म की, तो आज वो बड़े हो गए। ऐसे ये अवार्ड भी बड़ा ही है और भी बड़ा हो जाएगा। और ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ब्राइट फ्यूचर फॉर ऑल मिसेस आफ्टर 40 की जो भी मैडम है, मिसेस भारत आइकॉन अवार्ड्स के लिए सब स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आंसर अच्छा दे रहे हैं, ड्रेसिंग अच्छा है, तो भगवान मतलब हर एक को कामयाबी और खुशी दे रहे हैं। आपको भी कह रहे हैं बहुत सारे अवार्ड्स मिले, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा जरूरी होता है कोई पुरस्कार मिलना, कोई इनाम? अवार्ड्स एक आदमी को है ना इनकरेज करता है काम करने के लिए, अपने काम को अप्रिसिएशन होता है, तो एक्चुअली में ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये लोग अवार्ड्स घर में रखते हैं, ऑफिस में रखते हैं, लोगों को दिखाते हैं, फोटो पेपर में देते हैं, तो उससे लोग एक जो खुशी मिलती है वो अनकाउंटेड अनलिमिटेड रहती है, कि जैसे और आगे बढ़ने की और काम करने की और अच्छा करने की उससे प्रोत्साहन मिलता है। सर कल कल भी आप बॉडी वाली में फ्री ग्रोसरी बांटने वाले, बताइए कितना संतुष्टि मिलता है। हम लोग 2007 से 400 फैमिली को हर महीने के, चार जन एक फैमिली के मेंबर को 400 जन को फ्री ग्रोसरी देते हैं। लास्ट महीने में आपने साथ देखा होगा, हमने 50,000 बुक्स गरीब लोगों को बांटी है और 110 अपना ब्लड डोनेशन कैंप में बोतल जमा की है ब्लड की, 140 जन बच्चों को फी फ्री दी है, 1,000 लोगों को आई टेस्टिंग और फ्री मेडिकल चेकअप देके, और 800 जन को फ्री चश्मा दिया है। और एवरी मंथ के पहले संडे को हम लोग मातोश्री जयाबेन चैरिटेबल ट्रस्ट और ब्राइट आउटडोर सोशल एनजीओ वर्क करता है और 400 जन को अनाज फ्री देता है। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य और खुशी की बात है कि इतने बड़े एक चैरिटी एनजीओ सोशल इवेंट का मैं एक हिस्सा हूँ, और भगवान करे और मैं इसको लाइफ टाइम तक चालू रखूँ। मीडिया को काफ़ी सपोर्ट करते हैं सर इसके अलावा, मतलब मीडिया को, तो मैं मीडिया की वजह से इतना बड़ा बन रहा हूँ तो मीडिया को सपोर्ट करना मेरी फर्ज है। और योगेश जी, भारत जैसा जो आइकन अवार्ड है तो ब्राइट आउटडोर अवार्ड कब होने वाला है? 25 सितंबर को शायद ट्यूसडे को डोम वर्ली NSIM में NSCI में उसमें ब्राइट अवार्ड नाइट हो रही है, और 40-50 फिल्म सर आएंगे, CM सर आएंगे, और बहुत जन ने तो अभी टेंटेटिव तो हाँ बोला है, लेकिन लास्ट ईयर आपने देखा था तो ब्राइट अवार्ड नाइट बहुत बड़ा हुआ था, और आप लोग के आशीर्वाद और लोगों का प्यार और अपने क्लाइंट्स के विश्वास और ट्रस्ट और माँ बाप के आशीर्वाद से इतना बड़ा आगे भी होएगा। हिमांशु जिंजनवाला को भी अवार्ड दिया जाएगा? 100% बेस्ट PR का क्यों नहीं दिया जाएगा, 100% दिया जाएगा, वो अच्छा काम करते हैं। और मैं आपको एक इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मेरा फ्रेंड है जैसलवर आनंद भाई, और उनकी मिसेज आज के जो शो है उन्होंने एक वर्किंग भी किया है अच्छा, और उनको जितने भी ड्रेसिंग है मिसेज की उन्होंने बनाई। सो आई हैव डिजाइन एथनिक वेडिंग वेयर फॉर फर्स्ट एंड सेकंड गोल्ड एंड प्लैटिनियम गर्ल्स, and my store is at Juhu, so do please visit my store, and you know he is a very close and good friend, we did all the advertisement through him only and we 100% trust him for all the things. Thank you so much. Yeah, thank you.